गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद अनस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स के बारे में। इससे पिछली वीडियो में मैं वेरिएबल्स के बारे में बताया था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो वेरिएबल तीन तरीके से हम डिक्लेयर करते हैं, क्योंकि हमारे पास होते हैं वार, लेट एंड कॉस्ट। इन तीन तरीके से हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। तो इससे पिछली वीडियो में मैं वेर के बारे में जाना था, तो आज हम लेट एंड कॉस्ट के बारे में जानेंगे और तीनों का डिफरेंस के बारे में जानेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस हमारे पास तीन तरीके होते हैं किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए, वेर यूजिंग लेट एंड यूजिंग कॉस्ट। पिछली वीडियो तुमने वेयर के बारे में जाना था, तो आज हम लेट एंड कॉस के बारे में जानेंगे, तीनों के डिफरेंस के बारे में जानेंगे। तो उससे पहले हम क्या करेंगे अपनी जो है, तो यह हम आ गए वीएस कोड की विंडो का। हमने एक फोल्डर बना रखा है सीएसएस नाम से, और उसी फोल्डर के अंदर हमारे पास इंडेक्स डॉट एचटीएमएल की फाइल है, और ये हमारी बॉयलर प्लेट आ गई। हमने बॉडी के अंदर स्क्रिप्ट टैग उतारा है। अब स्क्रिप्ट टैग के अंदर सबसे पहले हम एक वेरिएबल बनाएंगे वेयर, वेयर यूज करके बनाएंगे, और वेयर हम कर देंगे फर्स्ट नेम। वेयर को हम दे सकते हैं फर्स्ट नेम देंगे, इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे। उसके बाद हम सिंपली एक स्ट्रिंग वैल्यू है, तो उसके लिए हम सिंपली डबल कोट्स के अंदर लेंगे टेस्ट को अपने। तो इधर हम दे देंगे सिंपली जावास्क्रिप्ट, मैंने सिंपली द जावास्क्रिप्ट दे दिया। अब सिंपली का इसको हम क्या करेंगे, प्रिंट करवाएंगे। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज़ करेंगे, और इधर हम सिंपली कर देंगे फर्स्ट नेम कर देंगे, और इधर से इसको क्लोज कर देंगे, और इधर से इसको हम क्लोज कर देंगे। राइट क्लिक करना है, ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे। तो ऐसे आ गया हमारा आउटपुट जावास्क्रिप्ट। तो हमने ऐसे आ गया हमारा आउटपुट, ये हमने वेरिएबल बनाया उसका प्रिंट आ चुका है। अब इसी वेरिएबल के अंदर हम दूसरा वेरिएबल बनाएंगे, इसी को ओवरराइड करेंगे। तो मैं ले लूँगा वायर, और वायर हम कर देंगे फर्स्ट नेम कर देंगे, जो हमने ऊपर बनाया सेम एज इट इज रहने देंगे, और जो है अपना असाइन करेंगे इज इक्वल टू, और इधर हम कर देंगे सिंपली कोड विद अनस। और अब हम सिंपली क्या करेंगे गाइस, इसको कंट्रोल एच करेंगे, क्रोम ब्राउजर पे आएंगे, और आप देखें अब ये कोड भी तरह से हो गया, क्योंकि हमने सेम वेरिएबल बनाया तो इसने इसको ओवरराइड कर लिया। अब कौन सी हमारा वैल्यू प्रिंट हो रही है फर्स्ट नेम की, जो सेकंड हमने दिए फर्स्ट वाले को इसने ओवरराइड कर लिया। अगर मैं सिंपली इसको सिर्फ असाइन करूँ फर्स्ट नेम को वेरिएबल को, वैर यूज ना करूँ, तो हम क्या करेंगे, सिंपली फर्स्ट नेम लूँगा मैं। फर्स्ट नेम मेरे लिए हमने इज इक्वल टू लेंगे, और इधर हम सिंपली डबल कोट्स लेके इसको हम सिंपली दे देंगे हेलो वर्ल्ड दे देंगे, और ये एकदम परफेक्ट है। कंट्रोल एस करेंगे और क्रोम ब्राउज़र पे आएंगे, तो आप देखें हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है। हमने प्रिंट क्या करवाया फर्स्ट नेम, तो इसने क्या करा, पहले इसने फर्स्ट नेम जो हमने बनाया जावास्क्रिप्ट, तो वार ने फर्स्ट नेम जो सेकंड वेरिएबल बनाया इसने इसको ओवरराइड किया, और इसने जो है हमारे वेरिएबल ने इन दोनों का ओवरराइड किया। तो इस तरीके से आ रहा है ये हेलो वर्ल्ड, ये हम कर सकते हैं सिर्फ वेयर के अंदर। अब इसी जगह में हम क्या करेंगे सिंपली गाइस, इधर हम ले लेंगे लेट, इधर हम लेट दे देंगे, लेट हमने दे दिया फर्स्ट नेम, और अभी इसको बता देंगे फर्स्ट नेम को, और जो दूसरा वेरिएबल वो भी सेम है फर्स्ट नेम। तो अब सिंपली क्या करेंगे, कंट्रोल एस करेंगे, क्रोम ब्राउजर पाएंगे, तो आप देख रहे हैं कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा। राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट में जाएंगे गूगल के डेवलपर टूल के अंदर, तो अभी देखें आप यहाँ आना है सिंपली कंसोल के अंदर, तो आप देख रहे हैं हमें एक नीचे एरर शो हो रहा है, एंड आइडेंटिफायर फर्स्ट नेम हैज़ ऑलरेडी बी डिक्लेयर। जो हमारा फर्स्ट नेम है वेरिएबल उसको हमने ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुका है, तो लेट के अंदर हम डिक्लेयर नहीं कर सकते दोबारा से वेरिएबल को। अगर मैं इधर वेयर को हटा के लेट ही कर दूँ, देखें लेट कंट्रोल एस करेंगे, तो आप देखें वही एरर शो होगा हमारे को, हमने जो है फर्स्ट नेम को ऑलरेडी डिक्लेयर कर रखा है, तो हम अगेन से इसको डिक्लेयर नहीं कर सकते लेट को यूज़ करके। अगर हम सिंपली लेट को हटाएं और सिर्फ वेरिएबल को असाइन करें, कंट्रोल एस करें, तो आप देखें अभी हमारा आउटपुट हमें डिस्प्ले होगा कोड भी एकदम परफेक्ट है, अभी हमें कोई एरर शो नहीं हो रहा। तो इसमें हम सिंपली जो है गाइस वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं, ना कि अगेन से जो है वेरिएबल को बना सकते हैं। तो ये था लेट, आपको छोटा सा एक डिफरेंस होता है सिंपली, इसमें आपको समझ आया होगा लेट में और वायर में। तो वायर में आप तीनों चीज़ें कर सकते हैं, और लेट के अंदर आप सिंपली जो है अगेन से जो है वेरिएबल नहीं बना सकते लेट करके, सिंपली आप जो है फर्स्ट नेम को कोई वैल्यू असाइन कर सकते हैं। ये सिंपली जो है फर्स्ट वैल्यू को जो है जो हमारा लेट था फर्स्ट नेम जावास्क्रिप्ट उसको इसने ओवरराइड कर दिया। तो ये था डिफरेंस लेट के अंदर। अब इसी जगह पे हम कॉन्स्ट यूज़ करेंगे, कॉन्स्ट को यूज़ करेंगे, कॉन्स्ट वेरिएबल। अब कॉन्स्ट के अंदर क्या होता है, कंट्रोल एस करेंगे, तो आप देखें अभी जो है हमें एक एरर शो होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ उसको एरर को। ये एरर आ रहा है हमारे पास नीचे, और टाइप एरर असाइनमेंट टू कॉन्स्टेंट वेरिएबल। हमने असाइनमेंट किया कॉन्स्टेंट वेरिएबल को, हम कॉन्स्टेंट वेरिएबल को गाइस हमने असाइन किया, तो हम कॉन्स्टेंट वेरिएबल को असाइन नहीं कर सकते। इसको हम काट देंगे फर्स्ट नेम को, और कंट्रोल एस करेंगे। अभी हमें जो अपना जो आउटपुट होगा वो प्रोवाइड होगा। अभी आप देख रहे हैं जावास्क्रिप्ट हमें डिस्प्ले हो रहा है, हमने जावास्क्रिप्ट लिखा था, जावास्क्रिप्ट हमें डिस्प्ले हो रहा है। तो इसके अंदर ना हम वैल्यू को असाइन कर सकते हैं, और ना ही हम
लेट करके एक वेरिएबल बना सकते हैं। तो कॉन्स्ट के अंदर हम एक ही चीज़ कर सकते हैं, सिर्फ एक बार वेरिएबल बना सकते हैं। और जो जावास्क्रिप्ट है वायर था, वायर के अंदर हम वेरिएबल को सेकंड वेरिएबल भी बना सकते हैं और उसको जो है वेरिएबल को असाइन भी कर सकते हैं। मैं आपका डिफरेंस से मैंने इसके अंदर एक चार्ट बना रखी है, मैं आपको सिंपली चार्ट डिस्प्ले करा देता हूँ। आप देखें वायर के अंदर आप तीनों चीज़ें कर सकते हैं, आप वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं, अगेन वेरिएबल बना के जो है फर्स्ट वाले को ओवरराइड कर सकते हैं, और आप वेरिएबल को सेकंड वाले को भी जो है ओवरराइड कर सकते हैं वेरिएबल को असाइन करके, जैसे ए एक हमने जावास्क्रिप्ट कर दिया। और लेट के अंदर गाइस हम वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं, लेकिन अगेन से हम वेरिएबल नहीं बना सकते, हम सिंपली वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं लेट के अंदर। तो कॉस के अंदर गाइस हम सिंपली वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं, ना कि हम अगेन वेरिएबल बना सकते हैं और ना ही हम असाइन कर सकते हैं। तो ये था हमारा वेयर लेट एंड कॉस किस तरीके से हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। होप सो आपको वीडियो पसंद आएगी। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।